नमस्कार, टेबल ट्रीट विद सुतापा में सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल रिच एंड टेस्टी दाल मखनी। पहले 2/3 कप होल उड़द दाल को और लाल राजमा को हमें 10 घंटे तक भिगो लेना है। फिर एक प्रेशर कुकर में डालेंगे इसको और उसमें 1 इंच अदरक क्रश करके और 2 लहसुन क्रश करके और 1 बड़ी इलायची दे देना है और इसमें पानी डाल के 1 विसल हाई हीट में करना है। फिर 10 मिनट तक इसको लो हीट में पकाना है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेना है और 2 टेबलस्पून बटर लेना है। दाल मखनी है, बटर तो चाहिए ही। फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला लेना है और 1 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके डाल देना है और बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेना है हाई हीट में। स्वादानुसार नमक डाल देना है और फिर इसको और अच्छी तरह से भून लेना है 1-2 मिनट तक। फिर हमें इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब इसमें स्वादानुसार लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल के इसको भी बहुत अच्छे तरह से भून लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। सारे मसाले अच्छे तरह से भुन जाए फिर इसमें हमें 4 टेबलस्पून टमेटो प्योरी डालना है। आप चाहे तो फ्रेश टमेटो का प्योरी बना के भी डाल सकते हैं। अब इसमें से तेल ऊज आउट हो जाए फिर इसमें हमें वो बॉइल्ड दाल डाल देना है। अगर आपको दाल थोड़ा थिक लगे तो 1/2 कप पानी आप ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। अब घर का मलाई भी मिला सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला के हमें इसको ढक देना है और इसको ढक के लो हीट में 10 मिनट तक पका लेना है। बस रेडी हो गया हमारा दाल मखनी। खाइए इसको नान के साथ, परांठे के साथ और नॉर्मल रोटी के साथ।